देखिए हम यूट्यूबर्स तो है नहीं कि यू नो वहाँ पे गए कुछ कंटेंट शूट कर लिया, कोई प्रैंक बना लिया, वो सब चीज नहीं करते, राइट? और ये सब दुनिया के बाहर भी हमारा एक अलग इन्वेस्टिगेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीत, मैं हूँ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो होने वाला है भांगर, द मोस्ट एशियस हॉन्टेड लोकेशन। क्या सच में भांगर एक हॉन्टेड लोकेशन है? क्या भांगर में ऐसी कुछ एक्टिविटीज हुई है? तो गाइज, ये जानने के लिए आज आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ मेरा दोस्त, मेरा को इन्वेस्टिगेटर सिद्धार्थ बंटवाल, जो हमारे मुंबई टीम में है और उन्होंने भांगर में एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन किया है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो हम आज जानते हैं। सो वेलकम सिद्धार्थ। वेलकम वेलकम। बहुत दिनों बाद इनको मिला है, ठीक है? बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि बात करें इसके ऊपर, बट आज वो सिद्धार्थ ने मुझे टाइम दिया, सो थैंक यू। तो सिद्धार्थ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम भांगर गए, भांगर में तुम्हारा बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, तो आज मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे तुम्हारे जो जर्नी थे भांगर में वो आज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो। श्योर श्योर श्योर। अनफॉर्चुनेटली मैं था नहीं वो ट्रिप में, तो मैं इतना सारे यू नो नहीं दे पाऊंगा, बट जो भी मेरे आइडियाज है वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आप सभी के साथ। सो सिद्धार्थ बताओ। तो ये बात है करीब जून के लास्ट मंथ में, सो जून 2016 में हम गए थे भांगर। अच्छा। और मैं गया था गौरव सर के साथ। ओके। और हम गए थे एक लीडिंग न्यूज चैनल के लिए एक शूट करने वहाँ सेगमेंट भानगढ़ में। ओके। जिसका मकसद ये था कि हम वहाँ के छुपे राजों को, वहाँ के छुपे जो सच्चाई है वहाँ की, उसको हम दर्शकों के सामने लाए, उसको हम यू नो टीवी पे एक इस तरह बताए कि वहाँ पे जो भी चीज है वो सबको एक्सेसिबल हो, सबको पता चले उसका सच। ओके। सो ये बताए, जब आपको पता चला कि आपको जाना है भांगढ़, तो What was your mentally preparation? आपने क्या किया या आपने क्या क्या preparation किया? And it is a very big location, guys. मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिद्धार्थ भी बताएगा आपको very soon कि बहुत बड़ा location है। तो क्या preparation था आपका? So basically मैं तो पहली बात तो जब मालूम पड़ा, ये गौरव सर आके personally मुझे बताया कि हमें एक शूट के लिए जाना है भानगढ़ में, तो भानगढ़ नाम सुनते ही मैं काफी एक्साइटेड था, बिकॉज आपको पता ही हम कितने सालों से डिस्कस कर रहे थे कि उस लोकेशन में जाके हमें कुछ करना है, वहां इन्वेस्टिगेट करना है। और ये मौका हमें सामने से मिला था क्योंकि ये न्यूज चैनल ने हमें अप्रोच किया था और हमें उनके साथ शूट करना था। तो प्रेपरेशन के लिए मैं पहले तो वो लोकेशन के बारे में कुछ ऑनलाइन में पढ़ रहा था उसके बारे में, कि क्या क्या वहाँ पे लोग कहते हैं उस जगह के बारे में, या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से लोगों को लगता है कि वहाँ या वो लोकेशन हॉन्टेड है। राइट। तो आप सब न्यूज चैनल जो भी आपके साथ थे, आप लोग भांगर पहुंचे, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग कि आप मतलब यू नो आप आए एंड देखे भांगर यू नो सामने आपका है? सो द वे वी डू, हम लोग गए अचानक से, यू नो हम लोग गैजेट्स निकाले एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग द यू नो वी स्टार्टेड डूइंग द मेजरिंग एंड एवरीथिंग। तो आप भी ऐसे कुछ किए कि नॉर्मली? नहीं सर, जब मैं पहले एंटर कर रहा था भांगर, तो फर्स्टली वो जो लोकेशन है वो इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है, वहां पे आप देखोगे सब जगह चारों तरफ आपको पेड़ पौधे ग्रीनरी, बहुत सारे दूर दूर तक आपको ऐसे लैंडस्केप्स जो वहाँ पे बोलते हैं वो काफी सुंदर है वहाँ पे। तो मैं जब गया था तो गैजेट्स तो बाद में, पहले तो मैं सिर्फ उस लोकेशन को देख रहा था। और एक जैसे हम एक कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हम एक वॉक थ्रू करते, तो पहला अप्रोच मेरा एक वॉक थ्रू करना था क्योंकि उस लोकेशन में पहले मैं कभी जा नहीं चुका हूँ, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट विजिट था जैसे आपने बताया। सो गौरव सर को लोकेशन काफी अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने मुझे एक हाथ दो स्पॉट्स ऐसे बताए कि यू नो यहाँ पे ये लोकेशन है, यहाँ पे हम शूट करेंगे, या यू नो आप सोलो एक ये लोकेशन पे चले जाओ। तो पहला अप्रोच मेरा वही था कि मैं मुझे एक जायजा लेना था वो जगह का, और मैंने एक वॉक थ्रू करके उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश की। और मुझे याद है गौरव सर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी गाइस पहला पैरानॉर्मल टीम है जो भांगर पे इन्वेस्टिगेट किया था बैक इन 2010। तब इंडिया में भांगर के बारे में पूरे दुनिया में फैल गया कि ये यू नो वो पहले था एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, बट जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी वहाँ पे गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसके बाद बहुत ये जो एंटायर मुद्दा है वो एक डिबेटेबल बन गया था। सो इट वॉज बैक इन 2010, am I right? जी। तो सिद्धार्थ आपका टीम पहुँचा वहाँ पे, सो पहले आपने जाके वहाँ के जो लोकल रहते हैं उनसे आपने इंटरेक्ट की या बात की, जानने की क्या स्टोरी है? जी जी जी। तो हमने वहाँ पे लोकल से कुछ जो बाहर बैठे थे वहाँ पे उनसे
इंटरेक्ट किया, उनसे बात की और कई सारे स्टोरीज उन्होंने हमें बताए। एक तो जो बहुत फेमस स्टोरी है जो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, वो रानी और वो तांत्रिक के बारे में, ठीक है, अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे या फिर वो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। राइट राइट राइट। सो एक स्टोरी वहां पे वो है और दूसरी एक स्टोरी हमें मालूम पड़ी वहां पे कि ऐसे कहा जाता है कि वहां पे जो सिविलाइजेशन था, वहां पे जो लोग रहते थे, वो पहले तो वो एंटायर किंगडम जैसा था, राइट, वहां पे हाईनेस वगैरह सब रहते थे, वहां के राजा वगैरह। करेक्ट। तो उनके पास जो वेल्थ था, जो मनी थी, जो सोना था वहां पे, ऐसे भी कहा जाता है कि वो जो विलेजर्स वहां से जा रहे थे ड्यू टू वॉर्स, उस टाइम पे कैसे कि एक राजा दूसरे राजा के साथ वॉर पे जाते थे, राइट। सो जब वो वॉर वगैरह होते थे तो लोग काफी सारे अपने बिलोंगिंग्स जो है, सोना हो गया, पैसे हो गए, ये सब वहां पे छोड़ के जाते थे। तो ऐसे ऐसे भी हमें सुनने मिला कि चांसेस बहुत हाई है कि वहां पे जो लोकल्स थे उन्होंने वो सोने को वहीं पे गाड़ के वो बाहर चले गए। okay. और फिर ये सब बातें शुरू हुई कि वो जगह हॉन्टेड है, वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए, ये सब बातें कहीं ना कहीं ऐसी भी हो सकती है कि वहां पे वही लोगों ने फैलाना शुरू की। ओके, जस्ट टू प्रोटेक्ट जो भी उन्होंने रखा था। सो लेट अस कम बैक टू द मोस्ट यू नो एंटीसिपेटेड क्वेश्चन, जो कि है क्या भांगर हॉन्टेड है। अच्छा, ये बताने से पहले ये बताओ कि इन्वेस्टिगेशन में स्टार्टिंग कैसे हुआ और क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया, कुछ मिला या ना मिला। आई वॉन्ट यू टू कम आउट। जी जी। सो इन्वेस्टिगेशन तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, पहले जाके प्रिलिमिनरी हो गया, जो हम बेस रीडिंग्स वगैरह लेते हैं वहां जगह का पता करने की। बेस रीडिंग में कोई फ्लक्चुएशन नहीं, इतना खास हमें कुछ एक्टिविटी वहां मिली नहीं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब जो इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट, ये सब हम प्रॉपर परमिशंस के साथ ही कर रहे थे। एग्जैक्टली गाइज, ये बात मैं भी आप सभी से बताना चाहता हूँ, क्योंकि भांगर जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी है, उस पर ट्रेस पास करके करना इलीगल माना जाता है। अगर आप लोग जो भी हॉन्टेड ब्लॉगर्स है, इट्स अ सजेशन फ्रॉम मी, अगर करते हो प्लीज ट्राई टू टेक अ परमिशन एंड देन गो, राइट। जी, और हमने वहां पे ये भी देखा था कि ऐसे जो लोग बिना परमिशन के वहां पे ट्रेसपास करके कुछ कर रहे थे, उनपे यू नो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था वहां पे, वहां के जो लोकल एएसआई गार्ड्स हैं, ओके, उनके द्वारा। तो जी, जैसे रीत ने कहा, ये आप बात बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से इसको समझो कि आप अगर कोई भी तरह का एक्टिविटी वहां अंदर जाके करना चाहते हो, चाहे वो फिल्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आप यूट्यूब पे कॉन्टेंट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक लीगल प्रोसीजर से वहां जाना होगा, जिसके द्वारा आपको एएसआई का जो हेडक्वार्टर्स है जयपुर में, आपको वहां जाके उनसे परमिशन या रिटर्न एक एप्लीकेशन देकर ही आपको अंदर आप इन्वेस्टिगेट या आप शूट कर सकते हो। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव डन? सो पहले जब हम गए थे बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, राइट, तो हमको जैसे गौरव सर हेड कर रहे थे वो इन्वेस्टिगेशन को, तो उन्होंने लोकेशंस को स्प्लिट किया था बिटवीन फोर मेंबर्स, हम चार मेंबर्स थे, ठीक है, उनके बीच में उन्होंने हमें बताया कि कौन किस लोकेशन में जाएगा और कौन कौन सी लोकेशन को शूट करेगा। ओके, सो शूट करेगा या कह लो इन्वेस्टिगेट करेगा, राइट। सो मेरा फर्स्ट जो लोकेशन था वो काफी चर्चित लोकेशन है। अच्छा। जिसे कहते हैं जिन की गुफा। ओके, जिन की गुफा। जी, उसे नाम दिया जाता है जिन की गुफा, और ऐसे कहा जाता है कि उस लोकेशन में वहां पे वो जो गुफा है वहां पे जिन रहते। अच्छा। राइट। सो लोगों का ये एक रिलीजियस बिलीफ भी है कि अगर आप वहां पे जाके कुछ मांगो, आप कुछ कोई भी चीज के लिए प्रे करो वहां पे जाके, तो वो सच हो जाता है। अच्छा। सो हमें जानना था इस चीज के बारे में कि क्या वहां सच में जिन है, तो उस काम के लिए मुझे और मेरे साथ एक और इन्वेस्टिगेटर थे, हम दोनों वहां पे अंदर जाके हमने एक ईएमएफ सेशन जो हम करते, राइट, ईएमएफ रीडिंग्स जो लेते वो एक सेशन, और एक ईवीपी सेशन, ये दो चीजें हमने वहां पे जाके किया। तो जब आप ईएमएफ या ईवीपी लेके जिन की गुफा में गए थे, क्या ईएमएफ और ईवीपी में आपको कुछ कैप्चर्ड हुआ, कुछ फ्लक्चुएशन हुआ ईएमएफ में या ईवीपी में, कुछ रिकॉर्डिंग? जी, जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे तो इतना वहां पे ऐसे कुछ एक्टिविटी हमें फील नहीं हुई या ईएमएफ मीटर पे ऐसा कोई चीज हमने डॉक्यूमेंट नहीं की। ओके। बट एक बात जरूर है, वहां पे काफी सारे चमगादड़ थे उस गुफा में। मैंने ये कहानी नहीं बोलूंगा बट मैंने सुना है कि जो बाहर एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, जी, तो बहुत जन ने इसको रिलेट किया है कि गवर्नमेंट के तरफ से ये बोला गया है कि आप शाम के बाद वहां मत जाइए, एंड इट वाज सम ऑफ द अदर यू नो पीपल रिलेटेड टू हॉन्टेड। तो बेसिकली एक बोर्ड है बाहर मेन गेट पे जो आपको कहेगा कि सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनसेट, आपको अंदर जाना मना है, राइट, और जब अगर आप जाने की भी कोशिश करोगे तो वहां पे जो लोकल एएसआई वाले
वो आपको रोकेंगे या वो आपको बोलेंगे आपके पास बस 10 मिनट है, आप अंदर जाके तुरंत से बाहर आ जाओ। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको एक वजह बताता हूँ, जो मेन रीजन ये है कि जो पूरी बाउंड्री है भानगढ़ की राइट, और उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है, सॉरी वहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह, वो सिरिस्का वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है। ओके, तो वो एक सैंक्चुरी है जहाँ पे काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स मौजूद है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि रात के बाद वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं बिकॉज अंदर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी भी मौजूद है। ओके, भानगढ़ के अंदर तो पानी पीने जी। ओके, और वहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे जो ब्लैक फेस लंगूर आप बोलते हैं, उनके बहुत सारे फैमिलीज अंदर रहते हैं। ओके, और एक कहानी मैंने सुना है कि आप भानगढ़ में जब जाते हो, अंदर जाते हो, तो देयर इज अ बिग पीपल का पेड़। हाँ, तो वो जो पेड़ है ना गाइस, वो दूर विलेज से दिखाई देता है, ठीक है। एंड वो पेड़ में आई थिंक शाम के टाइम झुंड में बंदर जो आपने कहा है, उन लोग वो पेड़ में बैठते हैं और पेड़ को हिलाते रहते हैं, ठीक है। और दूर से जो देख रहे हैं, गांव वाले जो देख रहे हैं, तो उन लोग को ये लग रहा है कि जो पेड़ है ना वो मूव हो रहा है। ओके, सो ये मैंने सुना है, क्या सच है क्या झूठ है आप ही बताओ जी। ना कि सिर्फ आपने जैसा कहा पेड़ हिलाते, राइट, तो सिर्फ पेड़ नहीं हिलाते, कभी कभार वो ऊपर से ऐसे आवाजें निकालेंगे कि आप रात के अंधेरे में जब आप उस पेड़ के नीचे से पास हो रहे हो, आपको ऐसे बहुत एहसास होगा कि कोई है शायद उस पेड़ में बैठा ऊपर, या कुछ हो रहा है। बिकॉज वहां पे बहुत कुछ खास लाइटिंग नहीं है अंदर, तो काफी डार्क हो जाता है अंदर, तो आपको एक वो एक नॉर्मल एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको अंधेरे में अगर मैं खड़ा कर दूं तो आपके जो सेंसेस है बाकी सब बहुत काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको उन वजह के बारे में भी, उन चीजों के बारे में आपको ज्यादा एहसास हो या आपको डर बैठ जाए आपने कि यहाँ पे कुछ है। करेक्ट। सो सिद्धार्थ, अब मैं आऊंगा डायरेक्ट फाइनल सवाल, क्या भानगढ़ में भूत या आत्मा है या नहीं जी? सो मोस्ट रिक्वेस्टेड सवाल, राइट, वेरी मच रिक्वेस्टेड सवाल, ये आप सबका सवाल मैं पूछ रहा हूँ जी। सो शायद मेरा आंसर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा काफी लोगों के लिए, लेकिन नहीं, वहाँ पे कोई भूत या आत्मा हमारे अनुसार, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ कुछ नहीं है। इसका वजह आपको एक बताता हूँ कि चलो मान लीजिए कि वो जगह हॉन्टेड है, राइट, वहाँ पे जिन रहते हैं, वहाँ पे आत्माएं रहते हैं, तो आपने ऐसे और कई लोकेशंस के बारे में सुना होगा, राइट, कुलदरा हो गया, लंबी देहर हो गया, कुछ ना कुछ हमें कुछ एक एक पीस ऑफ एविडेंस मिलता है वहाँ पे, थोड़ा सा ईएमएफ फ्लक्चुएशन हो गया, कुछ ना कुछ। चलो ये मैं उनके साथ ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं भी एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए बड़े बड़े लोकेशंस पे। गाइज, जो एक्चुअली हॉन्टेड लोकेशन होता है ना, वहाँ पे अगर आप जाओगे और मिनिमम भी मिनिमम अगर आप ईएमएफ भी निकालोगे ना, आपको फ्लक्चुएशंस नजर आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आप बिलीव करने से पहले एक बार उसकी रीजनिंग समझने की कोशिश कीजिए, तो आंसर जो है आपको खुद मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से भी, आईपीएस के ख्याल से भी, सिद्धार्थ के ख्याल से भी, भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है, प्लीज मेक इट क्लियर। एंड थैंक यू सिद्धार्थ, तुम आए, बात किए, इनका और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, मेरा भी है, हम लोग फिर आएंगे वीडियोस के साथ, सिद्धार्थ के साथ, इनके एक्सपीरियंस शेयर करने। तो टिल देन आप ये वीडियो को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब, बेल बटन, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।